सेम आर के लाइफ में आप लोगों का ओपी वाला वेलकम। तो गाइस आ चुका हूँ मैं एक और जबरदस्त सी वीडियो लेकर, और आज मैं आप लोग को एक कस्टम एचयूडी के बारे में बताऊंगा जिसके करने पर आप लोगों का काफ़ी इजीली वन टैप लगने लगेगा गाइस। और ये कोई फेक नहीं, एकदम सच में दिखाऊंगा आपको, लाइव प्रूफ के साथ आप लोग को दिखाऊंगा कस्टम एचयूडी बनाकर और उससे अपना गेम प्ले कर। और मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं कौन से कस्टम एचयूडी के साथ खेलता हूँ। चुकी ना किसी तरीके की वीडियो करते हैं स्टार्ट। लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को और प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कस्टम एचयूडी की ओर। तो पहले आप लोग को अपनी सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आप लोग का तीसरे नंबर पे छाने के बाद आप लोग को यहाँ पर जैसे टिप हो गए तो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी मेरी कस्टम एचयूडी। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा अपनी रियल प्रूफ के साथ कि मैं कौन सी कस्टम एचयूडी के साथ खेलता हूँ। तो गाइस ये मैं 2 नंबर पे आ जाता हूँ, तो ये मेरी कस्टम एचयूडी है। तो इसको अभी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे। मैं आप लोग को एकदम शुरू से दिखाऊंगा पूरी कस्टम एचयूडी बनाकर। तो ये देखिए गाइस, पहले मेरा ऐसा था। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर रखनी। पहले तो आपको अपना गन पॉइंट रखना है। ये बहुत मैटर करता है कि आप जब कोई बंदा जाता है और आपकी गोली ख़त्म हो जाती है तो आप लोग जल्दी से इस पर टिप कर जल्दी से अपनी गन को बदल कर मार सकते हो। तो इसको आप लोग मेरे कहने से आपको यहाँ पर रख लेना चाहिए। इसको 86% पे रखना चाहिए और इसको 100 पे रख लेना चाहिए। फिर आपका आता है यहाँ पर ये बहुत मैटर करता है। आप लोग इसको तो कहाँ पर रखिए, यहाँ पर इसको आप लोग रखिए यहाँ पर रखने से क्या होता है, अगर आपको अपने बंदे को देखना है तो आप लोग ईजिली देख सकते हो। और गाइस अब आते हैं तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे आप लोग को ये जो दौड़ने वाली बटन है इसको आप लोग को 100 पे कर यहीं पर रहने देना है गाइस। और ये जो आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ पे, इसको आप लोग को एकदम नीचे ला देना है। अब आता है इसका, इसको आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं तो इसको ज़्यादा कहूँगा कि आप लोग इसको 21 पे रखिए। और क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे करने के बाद अब आ जाइए अपने ग्लूवाल पे। मैं बता देता हूँ आप लोग, एकदम सिंपल सा ग्लूवाल रखिए। आप लोग ग्लूवाल को यहाँ पर रखिए। इससे क्या होता है, आप लोग काफ़ी ईजिली ग्लूवाल पटक पाओगे गाइस। और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है गाइस ग्लूवाल रखने की। इससे आप काफ़ी तेज़ से ग्लूवाल पटक लोगे गाइस। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे आ जाए। तीसरे नंबर पे आपकी मेड किट आती है। मेड किट को आप लोगों को रख लेना है मेरे कहने से। इसको आप लोग को रख लेना है 60 पे। 60 पे रखने के बाद इसको बीच में कर दीजिएगा। और बैकपैक की बात आती है गाइस, बैकपैक को आप लोग वहीं पर रखिए, यहाँ पर रखिए। यहाँ पर रखने से आपका क्या होगा, आप लोग का बैकपैक जल्दी खुलेगा नहीं गाइस। और अब यहाँ की सेटिंग हो चुकी है गाइस पूरी। आप लोग आ जाइए यहाँ पर, आप लोग इसको मैं बता दूँ, इसको आप लोग यहाँ पर रखिए ग्लूवाल के थोड़ा सा नीचे और जस्ट इसको इतना बड़ा कर लीजिए गाइस। इसको आप लोग को 90 पे रखना है। इसको मैं अपनी 90 पे रख लेता हूँ बस। इसको करने से क्या होता है, आप काफ़ी ईजिली आप लोग खोल कर अपना स्कोप को मार सकते हो गाइस। अपना स्कोप बटन आप लोग यहीं पर रखिए। आप तीसरे नंबर पर जो सेटिंग आती है वो आपकी जंप फायर बटन, तो इसको आप लोग यहाँ पर करने के बाद इसको पूरा 100 पे कर लीजिए गाइस। और अपनी ये जो बैठने वाली बटन होती है इसको भी आप लोग 100 पे करने के बाद यहाँ पर रख लीजिए। फिर आपको आता है ये आप लोग का जो किल फिट आता है, इसको आप लोग बीच में रख लीजिए, आपका जहाँ मर्जी वहाँ रखिए। देखिए और इसको जो करना है इसको आप लोग थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए गाइस। आप आता है ये बहुत मैटर करता है, ये आपका वो होता है। इसको मैं कहूँगा कि आप लोग बीच में रखिए यहाँ पर। इससे आपका काफ़ी, अगर आप वुकोंग लगाते हो, डीजे आलोक लगाते, स्काइल लगाते तो आप काफ़ी इजीली कर सकते हो गाइस। इसको आप लोग कर लेना बीच में। बीच में करने से होता है जल्दी से आप लोग ऐसे टिप सकते हो। और इसको भी आप लोग काफ़ी, अगर किसी को लॉल दिखाना है तो इसको आप लोग यहाँ पर रखने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इससे क्या होता है, अरे ये क्या टिप दिया, चलो गाइस इसको आप लोग यहाँ पर रख दिए। यहाँ से क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी कर लोगे। अब आता है ये आपका रिवाइवल यहाँ पर रख लीजिए गाइस इसको। और इसको ऊपर मत रखिएगा गाइस, नहीं तो ये आप काफ़ी दिक्कत करेगा। ये जो चीज़ होती है इसको आप वहीं पर रख लीजिए। और ये इससे आप खरीद सकते हो गाइस। ये देख लीजिए आधी सेटिंग बन चुकी है। अब आते हैं अपने फायर बटन, जो सबसे ज़रूरी होता है। और ये इसको आप लोग अगर चाहिए तो इसको यहाँ पर लग जाए। मैं इसका काम नहीं होता, मेरे को सूखना उतना नहीं रहता है गाइस। और अब आ जाता है मेन पॉइंट गाइस, आपका मेन पॉइंट आ गया है गाइस कि अपने
ये वाली बटन यानी अपनी गोली वाली बटन को आप लोग को कहाँ पर रखना है, तो मैं बता दूँ, सब लोग कहते हैं ऊपर रखो या नीचे रखो। गाइस ये आपको मैटर करता है कि ये आप कहाँ पर रख सकते हो। तो मैं अपनी फायर बटन को बीच में नहीं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखूँगा। आप लोग देख लीजिए, ये मेरे इस वाली गोली पे जो है ये तीसरा डिब्बा है, तो यहाँ पर आप लोग एकदम सीधे में लाकर इसको काफ़ी इजीली यहाँ पर रख लीजिएगा। इससे क्या होगा, और आप लोग को ये जो चीज़ होती है इसको आप लोग को ऊपर ला देना, इसको अंदर कर दीजिए, इसको भी अंदर, जो काम करनी है गाइस उसको अंदर कर दीजिए, इसको भी मैं कहूँगा अंदर कर लीजिए, इसको एकदम कोने में ला दीजिए गाइस। फिर आपको क्या करना है, आपको ये जो चीज़ है इसको आपको सौ पे करने के बाद यहाँ पर रख लेना है गाइस। इससे क्या होगा, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर ये आप सीख गए तो आपका काफ़ी ईजिली वन टैप करने लगेगा गाइस। ये काफ़ी अच्छी HUD सेटिंग है, इससे मैं आप लोग को अभी खेल कर दिखाऊंगा। और इसका काम आप लोग जब काफ़ी तेज़ ग्लूवॉल पटकना चाहते हो तब, तो मेरे को अभी तेज़ ग्लूवॉल जरूरत नहीं थी, तो इसको मैं थोड़ा अंदर कर लेता हूँ गाइस। और आप लोग देख सकते हैं मेरी काफ़ी ईजिली सेटिंग बन चुकी है, तो मैं इसको मैं थोड़ा सा बीच में कर लेता हूँ। इसको ग्लूवॉल जो होता है गाइस वो मैं आपको बहुत सही जगह रखने की ट्रिक देख रहा हूँ गाइस, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको कर लेना है, ओके, ये आपकी सेटिंग होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका फ्री फायर उड़ जाता है तो आपकी सेटिंग किस सेटिंग हट जाती है, तो अगर आपका फ्री फायर उड़ जाता है आपकी सेटिंग हट जाती है, तो आपको आ जाना है ये दूसरे नंबर, आपको आ जाना है ये पहले नंबर पे गाइस। पहले नंबर पे आने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड और लोड की से एक चीज़ बताएगी, तो आप लोग को नहीं पता होगा कि ये क्या है, तो ये आपकी सेटिंग है गाइस। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं, ये एक बहुत अच्छा चीज़ है गाइस फिर फायर वालों का, तो मैं बता दूं ये क्या है। तो गाइस ये जो अपलोड होता है, इससे अगर आप लोग अपनी सेटिंग को अपने मोबाइल में अपलोड कर लोगे तो आपका फिर फायर या डिलीट हो जाए या उड़ जाए, या आपका फिर फायर फॉर्मेट आप अपने मोबाइल मार देते हो, तो आपका कुछ भी ख़राब नहीं होगी सेटिंग। आप लोग यहाँ पर लोड पर जैसे टिपोगे तो अपनी सेटिंग लोड हो जाएगी गाइस। तो मैं तो कहूँगा ये काफ़ी अच्छा है, ये आप लोग कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ एक गेम खेल कर भी देखता हूँ, जैसे कि मैंने अपने गेम पे लूलवर्फ गेम लगा दिया गाइस। अब मैं इसको कर लेता हूँ स्टार्ट, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को खेल कर भी दिखा देता हूँ गाइस अंदर जाकर। तो मैं पहले ले लेता हूँ शॉर्ट गन, ले लेता हूँ ईगल, ले लेता हूँ डेजर्ट ईगल ले लिया हूँ गाइस। मैं अब मैं दिखा देता हूँ, मैं अभी देख लीजिए गाइस, ये काफ़ी ईजिली सेटिंग है, और ये सेटिंग करने के बाद आपका काफ़ी ईजिली वन टैप करने लगेगा गाइस। तो यही मेरी सेटिंग है गाइस, काफ़ी अच्छी सेटिंग में आज आप लोग को दिखाया हूँ। ये देखिए गाइस काफ़ी ईजिली मेरी मोबाइल से सही, ये देखिए गाइस काफ़ी ईजिली आपका वन टैप लगेगा गाइस। और आप लोग बताना आपको ये सेटिंग कैसी लगी गाइस, अगर ये सेटिंग आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो या फिर चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, तभी आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग को होप समझ में आ गई होगी ये सेटिंग, अगर ये सेटिंग आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी तो यही सेटिंग कर आप लोग खेलिएगा गाइस। इससे आपको काफ़ी ईजिली बन कर लेगा, ये देखिए गाइस एक गोली में साले का खोपड़ा फोड़ दिया मैंने। अगर आप लोग को मेरे साथ कस्टम भी खेलना होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी UID भेज दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ कस्टम खेलूँगा। तो चलिए आज की वीडियो मेरी यहीं पर करते हैं समाप्त, तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक